कैसे बनाते हैं। ठीक ठीक परिवार में आप लोगों को क्लास करिए कैसे। बिल्कुल बिल्कुल आप भी ये पाउच हमें दे दीजिए। दर्द जो है अगर ये कम हो जाता है तो आप फिर हमसे ले सकते। आज औषधि वितरण की गई किस चीज़ की औषधि थी, कैसे खाने की? ये जो आयुष किट वितरण की गई है ये मुख्यतः जो हमारे पोस्ट कोविड पेशेंट हैं जो अभी यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं उनके लिए दी गई है। विशेष करके इसका देने का जो उद्देश्य है इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का दिशा निर्देश हुआ था कि ये आयुष किट जिसमें हमारा आयुष काढ़ा है, अगस्त की रसायन है, संसमनी बटी है, अणु तेल है और इसके साथ साथ जो हमने दिशा निर्देश दिया हुआ है वो सब इसमें प्रोवाइड किया गया है। उनका दिशा निर्देश था कि इसको हम घर घर पहुँचाएँ और ऐसे लोग मरीजों को दिया जाए जो कोरोना से पीड़ित हैं, तो उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। ये आज हम एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बांदा में इसी उद्देश्य से आए हुए हैं और यहाँ वितरित की गई हैं, जिससे कि ये जो किट है मुख्यतः इसका कार्य ये रहेगा कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट जिनमें कमजोरी बनी रहती है, कफ की समस्या बनी रहती है और साथ साथ जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके साथ दिक्कत बनी रहती है, तो ये जो किट भी प्रोवाइड की गई है हमने तो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कफ का शमन करने के लिए, खांसी ना हो, जुकाम दोबारा से ना हो जाए और घर के अन्य सदस्य हैं उनको भी पीड़ित ना हो जाए, ये उन लोगों को प्रयोग भी कर सकते हैं। इस उद्देश्य से हम लोग ये दवा उनको प्रोवाइड की। आपको पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र सिंह है, मैं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्रा बांदा में असिस्टेंट प्रोफेसर शाला के दंत विभाग में कार्यरत हूँ। मेरे पास मुख्यतः आँख नाक कान गले के रोगी आते हैं और मैं उन्हीं का देखभाल करता हूँ, उनकी चिकित्सा परामर्श देता हूँ। जब पहुँचते पहुँचते एक टाइम नहीं हो जाए तो काम करके उसमें आधा मधु मिलाना बनाना कैसे है? वो आपका चाय या पानी में एक चम्मच डालना है और उबालना है, जब आपको एक कप रह जाएगा पान लीजिए, अगर नहीं हुई पूरी शादी रख लीजिए। इसमें 10 चीज़ें मिली हुई हैं। खोलते हुए जब ये एक कप बचेगा इसको छान करके आपको आधा नींबू मिला करके